क्लास ट्वेल्थ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है फ्रॉम द महाराष्ट्र बोर्ड। उन्होंने 25% आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस कर दिया है मतलब उन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक, जो इस साल फर्स्ट टाइम ही आई है टेक्स्ट बुक, इसमें से बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हटा दिया है। तो जिसको हटा दिया है उसको आपको नहीं पढ़ना है, चाहे वो पेज का कॉन्सेप्ट हो, कोई आंसर हो, कोई ब्रीफ हो, शॉर्ट हो, एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, और उस टॉपिक पे कोई भी चीज़ नहीं आएगी। ऐसा मैंने बाकी एसपी और ओसी में भी आपको बताया है। इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा हूँ। रूल यही है कि आप इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, भाई पूरे साल पढ़ना है अभी इकोनॉमिक्स की बुक, तो आज आप अपनी इकोनॉमिक्स बुक खोल लीजिए, पेंसिल पेन ले लीजिए, जो जो पेज मैं पलटता जाऊँ, नंबर बताता जाऊँ, जहाँ से जहाँ तक कट करने बोलूँ, आप उसको एक पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए मेरे साथ साथ, और जब भी पढ़ना होगा तो फिर वो चीज़ नहीं पढ़नी है। एज ए सेल्फ स्टडी वो कैसे क्या करना है वो बात की बात है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप निकाल लीजिए। सबसे पहले चैप्टर नंबर वन का पेज नंबर वन आप जानते हैं इकोनॉमिक्स की जो बुक आपकी प्रिंट है वो राइट लेफ्ट करके इस तरह से राइट साइड एक कॉलम और लेफ्ट साइड कॉलम में प्रिंट है। तो मैं आपको राइट लेफ्ट करके दिखाता भी रहूँगा, बोलता भी रहूँगा, कभी मैं आगे बढ़ जाऊँ स्पीड में तो आप पॉज करके देखते रहिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले पेज नंबर वन पे जो ये आपका हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये पूरा बॉक्स है ये कैंसिल हो गया है नीचे तक। ओके, यू शुड नो वाला, इसके बाद ये बॉक्स पीछे कंटिन्यू हो रहा है, आप देख सकते हैं पीछे ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ये पूरा बॉक्स कैंसिल है। जो चीज़ कैंसिल नहीं है, टिक मार्क नहीं किया है, जिस पर कट नहीं किया है, वो है, उसका एक एक वर्ड पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाइए आप पेज नंबर थ्री पर। पेज नंबर थ्री पे जो इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये पूरा इम्पॉर्टेंस नीचे फोर्थ पॉइंट तक कट है। पेज नंबर थ्री, इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पॉइंट नंबर फोर तक, और पीछे भी कट है। पेज नंबर फोर निकाल लीजिए, पेज नंबर फोर पे ये यहाँ तक कट है आपका। ओके, फिर पेज नंबर फाइव निकाल लीजिए, पेज नंबर फाइव पे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कट है। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो भी और मैक्रो भी ये कट है आपका, और ये पीछे तक है, पूरा कट है। स्टूडेंट्स अब निकालिए पेज नंबर 14 का सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, ये कट है, और ये इसका राइट साइड पे पूरा फोर्थ पॉइंट तक कट है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ पॉइंट 1, 2, 3, 4 तीनों कट है पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 के बाद आप आ जाइए पेज नंबर 19 पर। ओके, पेज नंबर 14 के बाद पेज नंबर 19 पे आ जाइए। इस पिक्चर से नीचे जो रीज़न जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एज फॉलोज, ये पूरा कट है, और इसकी ये साइड फिफ्थ पॉइंट तक कट है। ओके, फाइव पॉइंट्स पूरे कट हैं पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 के बाद आप आ जाइए लास्ट में पेज नंबर 25, इसमें दो बॉक्स कटे हैं। अरे ये दो बॉक्स क्या कट है भाई, इसमें तो पहले ही कुछ नहीं होता था, तो बोर्ड ने क्या कट कर दिया, क्या कट करके क्या नई बात कर दी है, ठीक है ना, तो ये तो कट होता ही था। निकालिए पेज नंबर 27 पे भी यू शुड नो कैंसिल है, सिर्फ ये यू शुड नो सिर्फ ये कैंसिल है। ओके, पेज नंबर 27। फिर पेज नंबर 28 पर, पेज नंबर 28 पर यू शुड नो कैंसिल है। ओके, फिर आ जाइए पेज नंबर 33। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूरा 9 पॉइंट्स कैंसिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा कैंसिल। पेज नंबर 34 पे आपका ये पूरा पेज कैंसिल है, एक्सरसाइज के ऊपर ये जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली पेज नंबर 34 कैंसिल है आपका। निकालिए पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में आपका ये जो आपका लेफ्ट साइड का पूरा कॉलम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट सप्लाई पूरा कैंसिल है 8 पॉइंट तक, यहाँ तक लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कैंसिल है पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 के बाद निकाल लीजिए पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो है ये पूरा कैंसिल है, और ये भी पूरा कैंसिल है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू पूरा नीचे तक कैंसिल है, और यहाँ पर भी
ये साइड ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कैंसिल है। ओके अब आ जाइए आप पेज नंबर 49। जी हाँ, जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 49 पर। टाइप्स ऑफ मोनोपोली, पूरे टाइप्स सारे कैंसिल हैं, ये साइड भी, ये साइड भी, और यू शुड नो भी कैंसिल है। ओके इसका यू शुड नो भी कैंसिल है। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 के बाद पेज नंबर 53 है। 53 का ये पूरा ग्रीन बॉक्स डू यू नो कट है, डू यू नो ग्रीन बॉक्स कट है, और यू शुड नो का ये वाला बॉक्स कट है। ओके पेज नंबर 53। पेज नंबर 54 पे ये वाला बॉक्स कट है, नोटेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये तो बॉक्स कट है। पेज नंबर 58 निकाल लीजिए। पेज नंबर 58 पे स्टूडेंट्स लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये पूरा कट हो गया है लास्ट तक, यहाँ तक। ओके मतलब लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर पेज नंबर 58 पे 1 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट्स तक सारे कैंसिल हो गए हैं। पेज नंबर 58 लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स। फिर पेज नंबर 63 है आपका। पेज नंबर 63 पे ये जो यू शुड नो है ये पूरा कैंसिल हो गया है, यू शुड नो पेज नंबर 63। पेज नंबर 68 है। पेज नंबर 68 पे इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट, सारे पॉइंट्स कैंसिल हो गए हैं 6 के 6। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये देखिए ये सारे पॉइंट कैंसिल हो गए हैं 6 के 6। पेज नंबर 72 निकाल लीजिए। पेज नंबर 72 पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ से लेकर नीचे तक सी पॉइंट तक ये पूरा है, लेफ्ट साइड कैंसिल है और राइट साइड में डी तक ये पूरा कैंसिल है। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ए बी सी डी पेज नंबर 72 कैंसिल है। पेज नंबर 74 का यू शुड नो कट है पूरा, नीचे भी ये से लेके यहाँ तक यू शुड नो पेज नंबर 74 कट है। पेज नंबर 78 पे टाइप्स ऑफ बजट, बजट के टाइप्स हैं, ये पूरा कट है लेफ्ट साइड और राइट कॉलम में पूरा नीचे तक कट है, लेसन के लास्ट तक कैंसिल है। यानी टाइप्स ऑफ बजट यहाँ से लेकर लेसन के लास्ट एंडिंग तक ये कम्प्लीटली कट है आपका। ओके पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 पर प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट जो है, ये दोनों पॉइंट इस पेज के कट हैं और पीछे पूरा आपका ये टॉपिक 6 के 6 पॉइंट और उसके बाद रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस्ड कट है यहाँ तक। ओके तो पीछे पेज में प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट पेज नंबर 87 से लेकर 88 के यहाँ तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया है। पेज नंबर 90 निकाल लीजिए। पेज नंबर 90 पे प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, ये फर्स्ट पॉइंट से पूरे 5 पॉइंट्स कैंसिल है, फिर रिफॉर्म कैपिटल मार्केट का लास्ट तक कैंसिल है। ओके मतलब मनी मार्केट कैपिटल मार्केट दोनों के प्रॉब्लम्स और दोनों के रिफॉर्म कंप्लीटली उड़ा दिए गए हैं, कैंसिल कर दी। अब आ जाइए 10th लेसन पेज नंबर 94 पर है हमारा। इसमें कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन, इंडियाज फॉरेन ट्रेड है, ये पूरे 4 के 4 पॉइंट्स राइट साइड पर कट हैं और यहाँ पर ये यहाँ तक ये और ये भी कट है इधर तक। ओके ये आपका क्या पेज नंबर 96 है। अब आपके पास पेज नंबर 96 में ये जो डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड है ये भी कट है, पूरा पैराग्राफ कैंसिल हो गया है। सो स्टूडेंट क्लास 12 कॉमर्स इकोनॉमिक्स के अंदर आपका, या आर्ट्स के बच्चे भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो साइंस के बच्चे भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो सेम इकोनॉमिक्स होती है। तो इकोनॉमिक्स में आपके 10 लेसन में से ये सारे पेजेस कट गए हैं। आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक आज अभी जैसे वीडियो मिले आप इसे ओपन करें और इसे आप पेंसिल से कट कर दें। अब जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये पार्ट को नहीं पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ना पढ़ें, ऐसा भी नहीं है। मैं कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट है जो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता, उसके लिए बातें बात करेंगे। लेकिन एक अक्टूबर तक आप अपना पोर्शन एंड कीजिए, स्टडी करके इसे कंप्लीट कीजिए, फिर बाद में जब रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में ले सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन ये मत कीजिए कि अरे दोस्त के पास वीडियो है, फ़ोटो है, स्क्रीनशॉट है, पीडीएफ है, मत करें। आपको मैंने सिंपल एक 10 मिनट की वीडियो बना के दे दी है, आराम से देख के आज और अभी कर दें इसे। और अगर कोई लेसन मैंने पढ़ाए थे जो दो, उसमें से कोई टॉपिक डिडक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, उसकी लर्निंग आपने कर ली थी तो कोई बात नहीं, तो ये आप थोड़ा मैनेज कर लें। ओके तो ऑल द बेस्ट। इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है,
लेट्स सी आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस साल. ओके, बर्डन थोड़ा कम तो हुआ है, कुछ पेजेस टॉपिक्स अगर कट गए हैं. ओके, बट मैं नहीं कहता इसमें बहुत ज़्यादा बोर्ड ने कुछ डिटेक्ट किया है, ज़्यादा उसने डू यू नो यू शुड नो कट किया है, उसमें तो बोर्ड में वैसे ही कुछ नहीं आता है भाई. ओके, लेट्स सी क्या होता है, आगे पता चलेगा. एटलीस्ट ये आप स्टार्ट करें. थैंक यू.